अंजलि के शादी के दिन अर्चना अपने कमरे से बाहर नहीं निकली क्योंकि उसे उसके माता पिता ने कमरे से बाहर निकलने से मना कर दिया था। अर्चना बाहर आती तो अंजलि की शादी कभी नहीं हो पाती क्योंकि अंजलि काली थी और उसके सर पर एक भी बाल नहीं था। दोनों जुड़वा बहनें थी लेकिन काली और गंजी होने की वजह से अंजलि को बहुत ताने सुनने पड़ते थे। उसके माता पिता अंजलि की शादी को लेकर बहुत परेशान थे। कैसे होगी अंजलि की शादी? काली लड़की से तो फिर भी लोग शादी करते हैं, लेकिन गंजी लड़की से कोई शादी नहीं करता। हाँ, मैं भी वही सोच रहा था, लेकिन आजकल नकली बाल आते हैं, वो लगाने से पता नहीं चलता है कि बाल असली है कि नकली। अच्छा, ऐसा क्या? तो आप कल ही एक नकली बाल खरीद कर लाओ। अर्चना को बोलूंगी अच्छे से अंजलि का मेकअप करवाने के लिए, तो फिर उसका काला रंग भी ढक जाएगा। अंजलि इतनी देर से ये सब कुछ सुन रही थी। अब उसने कहा, क्या काला पैदा होना इतना बुरा है माँ? हाँ बुरा है, ऊपर से तू तो गंजी भी है, कितनी बदसूरत है तू, तुझे देख के तो मुझे उल्टी आती है। अर्चना हमेशा अंजलि से ऐसे ही बात करती थी। वो सुंदर थी और उसके घने लंबे बाल थे और उसे इस बात का बहुत घमंड था। उनके माता पिता भी हमेशा अर्चना का ही साथ देते थे। अंजलि बहुत अकेली थी, उसका ना ही कोई दोस्त था और ना ही परिवार में कोई उसका साथ देता था। अर्चना की इस बात को सुनकर उसकी माँ ने कहा, सोच अंजलि, अपनी सगी बहन को तेरा चेहरा देखकर उल्टी आ रही है, तो फिर लड़के वालों का क्या होगा? अंजलि ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों के कोनों में पानी जम गया। ये देखकर अर्चना ने फिर से ताना मारा, रोध होकर कोई फायदा नहीं है अंजलि, लड़के आंसुओं की कीमत तब देते हैं जब वो आंसू किसी सुंदर लड़के की आंखों से निकल रहे हो। अर्चना ताने मार रही थी लेकिन बात तो सही कह रही थी। लड़के तो बाहर की सुंदरता से ही लड़कियों को शादी के लिए पसंद करते थे, इसीलिए अगले दिन अंजलि के पिता अंजलि के लिए नकली बाल खरीद कर लाए। उसे पहनने के बाद समझ में ही नहीं आ रहा था कि अंजलि के बाल असली हैं या नकली। अर्चना ने उसका मेकअप कर दिया। अंजलि सुंदर तो दिखने लगी लेकिन वो अंदर से खुश नहीं थी। शाम को लड़के वाले उसे देखने के लिए आए और शादी पक्की हो गई। उस दिन भी अर्चना अपने कमरे से बाहर नहीं आई। शादी वाले दिन अंजलि की माँ ने अर्चना से कहा, अर्चना बेटी, तुझे तो पता ही है कि तू सुंदर है, आज बाहर नहीं निकलना, नहीं तो तेरे होने वाले जीजू तुझे पसंद करके ले जाएंगे। ठीक है माँ, आप चिंता मत करो, अपनी बहन के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। अर्चना अपने कमरे में बंद हो गई और बाहर रितेश नाम के लड़के से अंजलि की शादी हो गई। अंजलि ससुराल चली गई। अंजलि ने मेकअप किया हुआ था और सर पर नकली बाल लगा रखे थे। रितेश ने अंजलि से पूछा, अंजलि, मैंने सुना था कि तुम्हारी एक जुड़वा बहन है, लेकिन कल वो कहाँ थी? अंजलि घबरा गई और खुद को संभाल कर कहा, वो असल में उसकी नई नई नौकरी लगी है ना, इसलिए नहीं आ पाई। रितेश ने और कुछ नहीं पूछा। अंजलि सुहागरात के लिए बहुत एक्साइटेड थी लेकिन अंदर से डरी हुई भी थी। अगर किसी भी तरह उन्हें शक हो गया कि मेरे बाल नकली हैं, तो क्या होगा? नहीं नहीं, मुझे बहुत संभाल कर रहना होगा। सुहाग रात बीत गई लेकिन रितेश को कुछ भी पता नहीं चला। अंजलि सुबह 4 बजे का अलार्म लगाकर सो गई और सुबह के 4 बजे उठकर हाथ मुंह धोकर फिर से मेकअप कर लिया और भर भर कर फेस पाउडर लगा लिया ताकि वो गोरी दिखे। उसे ऐसा करने के लिए उसकी माँ ने कहा था और फिर अंजलि घर के कामकाज करने लगी। उसकी सास सरला 6 बजे नींद से उठी और अंजलि उसके सामने चाय लेकर हाजिर हो गई। माँ जी, आपकी चाय। अरे वाह बहू, घर का सारा काम भी हो गया, अब बहुत अच्छी बात है। रितेश की भी नींद खुल गई तो अंजलि ने रितेश को भी चाय दे दी। पहले ही दिन अंजलि ने दोनों का दिल जीत लिया। वो घर का सारा काम करने लगी, सरला को कुछ करने दिया ही नहीं, रितेश को भी सही समय पर खाना दे दिया। रितेश खुशी खुशी ऑफिस चला गया और ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। सरला तो इतनी खुश थी कि पूछो मत। उधर अंजलि के माता पिता और बहन ने शादी के बाद उसे एक बार भी कॉल नहीं किया, उनको बस अपने कंधे से बोझ उतारना था। अब बोझ उतर गया। एक दिन शाम को
सब काम खत्म करके अंजलि अपनी सास के साथ बैठकर सीरियल देख रही थी। रितेश ऑफिस से लौट आया। आज बहुत काम था ऑफिस में, थक गया हूँ। पकौड़े के साथ थोड़ा चाय हो जाता तो मजा आ जाता। मुझे पता था पकौड़े खाओगे, इसीलिए मैंने सब्जियाँ पहले से ही काट के रखी है। अरे वाह, तुम ना बिल्कुल दिल की बात सुन लेती हो अंजलि। जब से तुम आई हो घर कितना सुंदर हो गया है। सच में बहू, मुझे तो अब कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं रही। मेरे घर में तुम साक्षात लक्ष्मी बनकर आई हो, लक्ष्मी। ये सुनकर अंजलि शर्मा गई और पकौड़े बनाने के लिए उठ गई। ऊपर पंखा चल रहा था और तभी पंखे की हवा लगने की वजह से अंजलि के नकली बाल गिर पड़े। उसका गंजा सर सबके सामने आ गया और ये देखकर माँ बेटा दोनों चौंक गए। रितेश ने कहा, अरे ये क्या माँ, ये तो लक्ष्मी नहीं, चुड़ैल है। वही तो देख रही हूँ बेटा, इसके बाल तो नकली हैं। अंजलि रो पड़ी, उसके आंसुओं ने मेकअप भी धो दिया और उसका काला रंग बाहर आ गया। रितेश और सरला बहुत गुस्सा हो गए। थोड़ी देर पहले वो दोनों जिसकी तारीफ कर रहे थे अब उसी को सुनाने लगे, हमारे साथ धोखा हुआ है बेटा, हमें बुद्धू बनाया गया है। हाँ, मैं कल ही इसे मायके छोड़ के आऊँगा माँ, और ससुर के नाम पे पुलिस में FIR करके भी आऊँगा। अंजलि रोने धोने लगी, लेकिन उससे किसी का दिल नहीं पिघला। अगले दिन रितेश अंजलि को लेकर उसके मायके चला आया। वो सोच कर आया था कि सास ससुर से बहुत लड़ेगा, लेकिन आते ही उसने अर्चना को देख लिया। अच्छा, तो अपनी सुंदर लड़की को छुपाकर मुझसे अपनी बदसूरत लड़की की शादी करवा दिए हो। मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं अभी के अभी पुलिस में FIR करूंगा। नहीं बेटा, मुझे माफ कर दो, ऐसा मत करो। ठीक है, नहीं करूंगा, अपनी दूसरी बेटी से मेरी शादी करवा दो। अर्चना नहीं मान रही थी, लेकिन रितेश ने उसे पुलिस का डर दिखाया, इसीलिए अर्चना को तभी रितेश से शादी करनी पड़ी। रितेश ने कहा, हाँ अब मैं खुश हूँ, अब अपनी बदसूरत बेटी को रखो अपने पास, मैं तो चला। रितेश अर्चना को लेकर घर चला गया। सरला अर्चना को देखकर बड़ी खुश हुई। अरे वाह, ये हुई ना बात, मेरी बहू तो ऐसी होगी, बड़ी खूबसूरत है ये। अर्चना उस घर की बहू बन गई। और उधर अंजलि के माता पिता ने अंजलि को घर में जगह नहीं दी। आज तेरी वजह से मेरी अच्छी बेटी को दूर जाना पड़ा। मेरी वजह से? ये क्या बोल रहे हैं पिताजी? सही बोल रहे हैं तेरे पिताजी, तू आज से यहाँ नहीं रह सकती। तू जब से हमारी जिंदगी में आई है तब से हमारी खुशी चली गई है, निकल जा यहाँ से। अंजलि को निकलना पड़ा। रोते हुए अंजलि इधर उधर भटकने लगी। उधर अर्चना बहू तो बन गई थी, लेकिन उसे घर का कोई काम नहीं आता था। वो सुंदर थी, इसी घमंड में उसने घर का काम सीखा ही नहीं। सुबह सुबह नींद से उठकर सरला ने अर्चना से कहा, बहू अब मेरी चाय कहाँ है? चाय? मैं चाय थोड़ी बना सकती हूँ, मैं तो आपके उठने का इंतजार कर रही थी। अब रसोई में जाइए और मुझे चाय बना कर दीजिए। ये क्या कह रही हो बहू? सही कह रही हूँ, आपके बेटे ने पुलिस का डर दिखाकर मुझसे शादी कर ली। अब मुझसे काम करवाने के बारे में सोचा ना तो मैं भी पुलिस केस कर दूंगी, वधू निर्यातन के केस में माँ बेटा दोनों को अंदर कर दूंगी। ये रितेश ने भी सुना और वो डर गया, उसे जेल जाने का कोई शौक नहीं था। अंजलि बदसूरत थी लेकिन घर का काम तो करती थी, हमारा कितना ख्याल रखती थी। हाँ माँ सही कहा, ये अर्चना तो बाहर से सुंदर है लेकिन अंदर से चुड़ैल है चुड़ैल। उधर अंजलि रास्ते पे भटक रही थी और भगवान को बुला रही थी, तभी उसके सामने एक बूढ़ी औरत आई। बेटी मेरी मदद करेगी? बेटी कैसी मदद माँ जी? मैं गरीब हूँ, कब से धूप में खड़े खड़े ये अगरबत्ती बेचने की कोशिश कर रही हूँ, एक पैकेट अगरबत्ती खरीदेगी? मेरे पास पैसे नहीं है माँ जी, लेकिन मैं ये बेचने में आपकी मदद कर सकती हूँ। अंजलि ने इधर उधर घूम घूम कर अगरबत्ती बेच डाली और सारा पैसा उस बूढ़ी औरत को दे दिया। बेटी तूने घूम घूम कर सब बेचा लेकिन एक पैसा भी नहीं लिया। मुझे पैसे नहीं चाहिए माँ जी। लेकिन कुछ तो लेना पड़ेगा, ये ले मैंने ये काढ़ा बनाया है, इसे पी ले, उसके बाद देखना कमाल।
अंजलि ने वो काढ़ा पी लिया और तुरंत वो गोरी हो गई और उसके सर पर लंबे लंबे बाल आ गए। उधर अर्चना घर में बैठी हुई थी, वो काली हो गई और गंजी भी हो गई। वो बूढ़ी औरत वहाँ से गायब हो गई। अंजलि समझ गई कि देवी माँ ही उसकी मदद करने के लिए आई थी। अर्चना का दिमाग खराब हो गया और रितेश और सरला का दिमाग तो सबसे ज्यादा खराब हो गया। वो भी बदसूरत बन गई, ऊपर से घर का काम भी करना पड़ा। अंजलि घर नहीं लौटी, वो अपनी खूबसूरती का फायदा उठाकर मॉडल बन गई और ढेर सारा पैसा कमाने लगी और खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगी। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो पर अपनी माँ की लंबी आयु के लिए कमेंट में आई लव माँ जरूर लिखें। दुर्गा माँ जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। क्या सोच रहे हो बैठे बैठे, नई बीवी लाने का सोच रहे हो क्या? बिमला ने जब अपने पति के साथ ही मजाक किया था, तब उसे आइडिया भी नहीं था कि एक दिन उसका बुढ़ा पति सचमुच एक नई जवान सौतन घर में लाएगा, वो भी चाइनीज सौतन। तब तो बिमला के पति हरिहर ने हंसकर बिमला की बातों को टाल दिया था। बिमला की बात सुनकर हरिहर ने कहा था, ये कैसी बातें कर रही हो बिमला? तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मेरा और कौन है? ऊपर से मेरे दो बेटे हैं, दो बहुएं हैं और पोता पोती भी हो गए हैं। इस उम्र में मैं तुम्हारी सौतन कहाँ से लाऊंगा? अजी, कलयुग में किसी का कोई भरोसा नहीं है। अब कौन क्या करे क्या पता, लेकिन एक बात है, अगर तुम कभी भी मेरी सौतन लाए ना तो मैं मर जाऊंगी। बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। हरिहर एक दुकान चलाता था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। वो हर सुबह दुकान पर जाता था और शाम को लौटता था। इसी तरह अच्छा खासा दिन बीत रहा था, लेकिन कभी कभी उसे अपने जवानी के दिन याद आते थे। कितना हैंडसम था मैं जवानी में, लड़कियां मरा करती थी मुझ पर, तुम्हें याद है बिमला? हाँ, याद तो है, लेकिन तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते थे। और भी बहुत कुछ करता था। हाय बेशरम, बूढ़ी उम्र में जवानी की ये बातें शोभा नहीं देती। क्यों नहीं देती बिमला, हम बात तो कर ही सकते हैं ना। पागल हो क्या, बहुएं देख लेंगी तो क्या सोचेंगी। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। बिमला चाय बनाने चली गई, लेकिन उसकी दोनों बहुएं शीतल और अंजलि पहले से ही रसोई में चाय बना रही थी। माँ जी, आप क्यों आई? हम आप और बाबूजी के लिए चाय बना रहे थे ना। हाँ माँ जी, हम दे आते। अरे बहू, तुम दोनों कितना ख्याल रखती हो हमारा। आज तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार खुशियों से भरा हुआ है। एक प्यार करने वाला पति, दो अच्छी बहुएं, और क्या चाहिए मुझे। बिमला की ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली थी। अगले दिन हरिहर दुकान पर जाकर बैठ गया और तभी एक चाइनीज लड़की दुकान पर आई। हाय, मेरा नाम लीसा है और मुझे कुछ सामान चाहिए। हाँ हाँ, बताइए ना, मैं अभी देता हूँ। वाओ, तुम्हारी आवाज़ कितनी हॉट है और तुम कितना हैंडसम भी हो। ये बात सुनकर हरिहर शर्मा गया। हरिहर बहुत दिनों के बाद ये सुन रहा था। बहुत दिनों बाद कोई लड़की उसे हैंडसम बोल रही थी और यही पर हरिहर पिघल गया। वैसे आप भी बहुत खूबसूरत हो। थैंक यू डार्लिंग, क्या तुम अकेला रहते हो? इसी तरह दोनों में बातें आगे बढ़ने लगी। वो चाइनीज लड़की हर रोज हरिहर की दुकान पर आने लगी और उसने धीरे धीरे हरिहर को अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया। और एक दिन आकर वो हरिहर के कंधे पर सर रखकर रोने लगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ हरिहर, लेकिन तुम मुझसे शादी थोड़े ना कर पाओगे। मैं तो विदेशी हूँ, मेरे पास यहाँ रहने को जगह नहीं है और मेरे सारे पैसे भी खत्म हो गए हैं। लीसा को ऐसे रोते हुए देखकर हरिहर पिघल गया और कहा, तुम चिंता मत करो लीसा, मैं जब तक हूँ तब तक तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे शादी करूँगा और तुम्हें मैं अपने घर में ले चलूँगा। लेकिन तुम्हारे घर वाले मुझे नहीं अपनाएंगे, मुझे वहाँ नहीं रहने देंगे। अरे वो लोग कौन होते हैं ये फैसला लेने वाले, वो मेरा घर है, मैं चाहे किसी को भी ले जाऊँ। हरिहर लीजा की चाल में फंस गया और उसी दिन दोनों ने शादी कर ली।
शादी के बाद हरिहर लीजा को लेकर घर चला आया और उन दोनों को एक साथ शादी के जोड़े में देखकर विमला के होश उड़ गए। ये क्या किया आपने? ये कौन है? यह मेरी नई बीवी है, इसका नाम लीजा है। नई बीवी? लेकिन ये क्यों किया आपने? अब वो भी एक चाइनीज लड़की से? अरे क्योंकि ये मुझसे प्यार करती है और मैं भी लीजा से बहुत प्यार करता हूँ, वो मुझे जवानी की याद दिलाती है। बिमला फूट फूट कर रो पड़ी। तब वहाँ हरिहर के दोनों बेटे, दोनों बहू और पोता पोती भी आ गए। हरिहर के पोते गुड्डू ने पूछा, माँ माँ ये हमारी नई दादी है क्या? चुप रह गुड्डू, अभी ये सब मत बोल। अंजलि की बेटी मीनू ने पूछा, दादाजी से नई शादी कर ली है क्या? तो फिर पुरानी दादी कहाँ जाएंगी? सभी परेशान हो गए। हरिहर के दोनों बेटों का नाम रमेश और मनोज था। वो दोनों भी अपने बाप से सवाल पूछने लगे। ये क्या किया बाबूजी आपने? आपने माँ के होते हुए नई शादी कैसे कर ली? आपने हमारे इज्जत के बारे में नहीं सोचा? एक बार भी आपको ख्याल नहीं आया कि हम रिश्तेदारों को क्या जवाब देंगे? नहीं आया ख्याल? हमेशा मैं दूसरों के बारे में ही क्यों सोचूं? अब मैंने कर लिया तो कर लिया। जिस जिसको लीजा से प्रॉब्लम है वह घर छोड़कर जा सकता है, यह मेरा घर है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुनकर सभी चुप हो गए क्योंकि उन लोगों के पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं थी। हरिहर लीजा को लेकर कमरे के अंदर चला गया। बिमला बाहर फूट फूट कर रोने लगी। लीजा इतनी देर से सब कुछ देख रही थी। उसने अब हरिहर से कहा, ओ हरिहर, तुमने तो आज कमाल ही कर दिया, सबकी बोलती बंद करवा दी, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी वजह से मेरी जवानी वापस आ गई है लीजा, अब तो तुम जो कहोगी वही होगा। बाहर बिमला की दोनों बहुएं उसे संभालने लगी। माँ जी रोना बंद कीजिए। कैसे बंद करूँ रोना, मेरा कितना सुंदर घर था, कितनी खुशी थी यहाँ, किसकी नजर लग गई? उस चाइनीज चुड़ैल से क्यों शादी कर ली उन्होंने? अब क्या कर सकते हैं माँ जी, आदमी लोगों का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन ये चाइनीज लड़की दिखने में तो चुड़ैल लगती है, कोई ना कोई मकसद से तो आई होगी। सच में लीजा एक मकसद से तो आई थी, लेकिन हरिहर उसके प्यार में अंधा हो गया था। बिमला शुद्ध शाकाहारी थी, घर में कभी भी अंडा मांस नहीं आया था। लेकिन अगले दिन लीजा ने कहा, मुझे ब्रेकफास्ट में बेकन और सनी साइड अप खाना है। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। दीदी ये सनी साइड अप क्या होता है? पता नहीं अंजलि, और बेकन भी क्या होता है? सनी साइड अप मतलब अंडे का पोज और बेकन का मतलब शुअर के मांस से बना हुआ एक चीज। ये सुनकर ही बिमला को उल्टी आ गई। ये सब क्या बोल रही है ये लड़की, शुअर का मांस, अब मुझे चक्कर आ रहा है। लीजा ने ब्रेकफास्ट नहीं किया और वो बाथरूम में चली गई। बाथरूम में एक छिपकली घूम रही थी, उसे देखकर लीजा के मुंह में पानी आ गया। अरे वाह कितनी हेल्दी छिपकली है, मजा आ जाएगा। लीजा ने उसे पकड़ लिया। जब शीतल और अंजलि रसोई से निकल गई, तब लीजा रसोई में घुसी और छिपकली फ्राई करके खा गई। रात को हरिहर और लीजा सो गए। लीजा जोर जोर से पाद मारने लगी और पाद भी मरे हुए जानवर की बदबू थी। अरे लीजा तुम क्या खाई हो आज, कितनी बदबू है। खाई हूँ कुछ, वो मैं नहीं बता सकती, सो जाओ हरिहर। ऐसे ही चलता रहा। बिमला शीतल और अंजलि पर लीजा हुक्म चलाने लगी। वो तीनों लीजा को संभालते हुए परेशान हो गए। लेकिन लीजा यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहने वाली थी, उसका एक मकसद था। एक रात अंजलि और शीतल एक साथ बैठकर मोबाइल में कुछ देख रही थी। सभी सो गए थे, तभी एक न्यूज में उन्होंने देखा, आजकल चोरी बढ़ गई है, एक चाइनीज लड़की बहू बनकर अमीरों के घर में घुसकर चोरी कर रही है। ये रही उस चाइनीज लड़की की तस्वीर, इस लड़की को देखते ही पुलिस में खबर करें। और उस लड़की की तस्वीर देखकर अंजलि और शीतल हैरान रह गई। अरे ये तो लीजा है, जल्दी से सबको खबर करनी होगी। उन्होंने बिमला को उठाया और सब कुछ बताया। रमेश और मनोज भी उठ गए। सभी चुपके से हरिहर के कमरे में गए। हरिहर अकेला सो रहा था। बिमला ने हरिहर को जगाया, लीजा कहाँ गई? अरे यही तो थी, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो?
तभी बिमला ने मोबाइल पर हरिहर को वो न्यूज दिखाई। हरिहर के होश उड़ गए, सभी लीजा को ढूंढने लगे और तभी देखा कि लीजा छत पर एक बोरी लेकर बैठी हुई है। उस बोरी के अंदर सोना और पैसे हैं। बस कुछ दिन और, धीरे धीरे सभी के कमरे से ये सब चुराया है मैंने और दो दिन बाद ये सब लेकर भाग जाऊंगी। और तभी सभी ने पीछे से उसे पकड़ लिया और तुरंत पुलिस को बुलाकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। लीजा को सजा मिली। हरिहर को सदमा लगा। उसने बिमला से कहा, माफ कर दो मुझे, लीजा के चक्कर में मैं होश खो बैठा था। पता नहीं था कि चुड़ैल ला रहा हूँ घर में। तुम ही मेरे घर की लक्ष्मी हो। ये बोलकर हरिहर ने बिमला को गले लगा लिया और वो परिवार फिर से खुशहाल बन गया। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।